वहीं ग्वालियर में कोविड काल के चलते चिड़ियाघर बंद कर दिए गए थे, इसके कारण चिड़ियाघर में घूमने का लुत्फ सैलानी नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि आज से ग्वालियर का चिड़ियाघर एक बार फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन हजारों की तादाद में सैलानी चिड़ियाघर में घूमते नजर आए, सैलानियों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। चिड़ियाघर में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है और चिड़ियाघर को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। काफी टाइम से कोरोना के चक्कर में चिड़ियाघर का माहौल खराब था, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था, पर्सन नहीं आ रहा था। अब थोड़ा माहौल सही है तो निर्भर है और अच्छा माहौल अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चे भी बहुत अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन है यहाँ पर, बहुत माहौल अच्छा लग रहा है यहाँ का। बेसिकली ये चिड़ियाघर खुले 2 दिन हुए हैं, कल खुला था चिड़ियाघर, ओपन हुआ है तो आप देखते हैं काफी शहर के लोगों में उत्सुकता है और काफी भीड़ उमड़ रही है। हम लोग भी उसमें एहतियातिक बरत रहे हैं, आने वाले एंट्रेंस गेट पे हम सबसे कह रहे हैं मास्क लगा के जाए, कोई भी चिड़ियाघर के परिसर में कोई थूके ना, कोई चीज ना ले जाए, जानवरों को नहीं दें। पूरे चेकिंग भी कर रहे हैं और क्लॉक रूम बनाया है, उसमें सामान रखवा रहे हैं। अभी तक कोरोना काल जो है कोविड-19 की गाइडलाइन का हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, इवन बर्ड फ्लू भी चल रहा है उसका भी पालन किया जा रहा है, सेंट्रल जो अथॉरिटी की गाइडलाइन है उसका।